Good morning, students. How are you? Students, it's your SST class. In this class, we will discuss a new chapter in civics, chapter number 7 Understanding and Confronting Marginalization. Marginalization ko samajna, uska sabna karna. In this chapter, we will discuss about the marginalization and its causes and effects, social, uh, scheduled caste, scheduled tribes, and OBC and minorities. अदर मार्जिनाइज ग्रुप जस्ट लाइक वुमेन एंड चिल्ड्रन सोशल इनक्विलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेटस एंड रिजर्वेशन स्टूडेंट्स अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं नाउ वट इज द मार्जिनलाइजेशन मार्जिनलाइजेशन होता क्या है हमारी सोसाइटी में कुछ ग्रुप होते हैं जिनको हम अपनी मेन स्ट्रीम से अलग निकाल कर रखते हैं यानी उनको हम अपनी मेन स्ट्रीम से अलग मानते हैं इस तरह के जो ग्रुप होते हैं उनको मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कहा जाता है इनफैक्ट यानी जो मार्जिनलाइजेशन है वो क्या है वो एक सोशल प्रोसेस है ऑफ बिकमिंग या बींग मार्जिनाइज मार्जिलाइज बनना या बनाने का और बीइंग कन्फिड टू लोअर सोशल स्टैंडिंग यानी पूरी तरीके से लोअर स्टैंडिंग पर खड़े होने का सोशल स्टैंडिंग पर खड़े होने का यानी समाज से बिल्कुल लोअर स्टेटस पर जाने का द फ्रेमर्स और अवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे वो बहुत अवेयर थे इस डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस से जो कि उस टाइम पर इंडिया में थी हैंस इनक्रपटेड मैनी प्रोविजन टू एलिवेट द सोशल एंड इकोनॉमिक सफरिंग ऑफ मार्जेनाइज ग्रुप तो उन्होंने अपनी कंट्री को में सोशल और इकोनॉमिक रूप से जो लोग मार्जेलाइज थे उनको उनके लिए बहुत सारे प्रोविजंस बनाए उनको आगे उड़ाने के लिए अब है कॉजि ऑफ मार्जनाइजेशन मार्जिनाइजेशन के कोजिज क्या है मार्जनाइजेशन यूजली है सम हिस्टोरिक कॉज इसके कुछ हिस्टोरिक कॉजेज भी हैं पीपल हु हैड एक्सेस टू इम्पोर्टेंट रिसोर्स एंड लैंड कुड डेवलप्ड इकोनॉमिकली वाइल दो ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव लिमिटेड अक्रॉस द टू सोर्सेज एंड लैंड कुड नॉट डेवलप इकोनॉमिकली हमारी सोसाइटी में वो लोग जो कि बहुत ही लिमिट मात्रा में है उनके पास लिमिट लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और लैंड कु नॉट डेवलप इकोनॉमिकली यानी हमारी जो लैंड है वो इकोनॉमिकली डेवलप नहीं कर पाती ठीक है यानी जो पीपल है जिनके पास इम्पोर्टेंट रिसोर्स हैं वो एंड लैंड कुड डेवलप्ड उनकी जो लैंड है वो भी डेवलप होगी इकोनॉमिकली और अगर दूसरा ग्रुप जो है उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो उसकी क्या है लैंड कुड नॉट डेवलप इकोनॉमिकली उसकी लैंड भी डेवलप नहीं होगी यानी वो भी इकोनॉमिक रूप से डेवलप नहीं हो पाएगा दस पीपल हु को डेवलप इकोनॉमिकली फॉर्मेड द मेन स्ट्रीम सोसाइटी और इस तरीके से जो लोग डेवलप हुए वो हमारी सोसाइटी में मेन स्ट्रीम में बन गए और जो दूसरे थे उनको मार्जेनाइजेशन का सामना करना पड़ा उसको उसे सहना पड़ा फॉर एग्ज़ाम्पल एग्जाम्पल के लिए पीपल बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट यानी जो लोग शेड्यूल कास्ट से, से बिलोंग करते हैं और हमेशा हैड ऑलवेज बीन लैंडलेस लेबर और हमेशा लैंडलेस लेबर में बने रहते हैं उनके पास किसी भी तरह की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी प्रॉस्पर नहीं होते वो यानी आर्थिक रूप से वो बहुत ज़्यादा खुशहाल नहीं होते पैसे नहीं होते उनके इन लॉन्ग रन दे वार मार्जिनाइज और बहुत लंबे समय तक इस तरह की स्थिति में बने रहने से वो मार्जिनाइज हो जाते हैं सिमिलरली ट्राइबल इस तरीके से हम ट्राइबल की बात करें ट्राइबल ऑल्सो मोस्ट डिपेंड ऑन फॉरेस्ट रिसोर्स आप सभी जानते हैं बेटा कि जो ट्राइब्स होते हैं वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर ही पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं ठीक है यानी जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर आ, ट्राइबल जो है वो फॉरेस्ट से ही अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं एंड डिड नॉट हैव लैंड ना तो उनके पास लैंड रिसोर्सिस होती है बिकॉज एग्रीकल्चर वाज नॉट देयर मेन प्रोफेशन लैंड क्यों नहीं होती क्योंकि उनका एग्रीकल्चर जो है वो उनका मेन प्रोफेशन नहीं था मॉडर्न वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंस इन लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज में हमारे कल्चर में जो डिफ्रेंस है उसका वही हमारा मार्जनाइजेशन का कारण है पीपल हुपीक इन डिफरेंट लैंग्वेज जो अलग लैंगवेज बोलते हैं अलग तरह के कपड़े पहनते हैं तो उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है आउट ऑफ द प्लेस इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी यानी जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उससे बाहर उनके साथ बहुत ही अलग तरह का व्यवहार किया जाता है सम ग्रुप ऑफ पीपल इवन लुक डिफरेंट कुछ तो ग्रुप के जो लोग हैं वो अलग ही दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस और औरिजन्स यानी उनके जो एंट्रो uh, एंट्रोपोलॉजिकल जो उनके ओरिजिन से उसकी वजह से हैंस और वो भी उनको भी क्या बनाया गया है मार्जिलाइज ग्रुप में काउंट कर लिया गया है इफेक्ट ऑफ मार्जलाइजेशन मार्जिलाइजेशन के इफेक्ट क्या है मार्जलाइजेशन मैनीफेस्ट इट्सल्फ इन सर्वल फॉर्म्स कुछ फॉर्म्स में उसके जो मैनीफेस्ट है इकोनॉमिक मार्जेलाइजेशन इज जस्ट वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन जो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन है वो एक मार्जिनलाइजेशन uh, का इफेक्ट बहुत ही एस्पेक्ट है बहुत ही बड़ा पहलू है कल्चर मार्जिनलाइज मार्जिनलाइजेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट जो हमारा जैसे कि इकोनॉमिकली मार्जिनलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसे ही कल्चरल मार्जरलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कल्चरल मार्जरलाइजेशन इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट है और इस तरीके से जो कल्चरल मार्जिनाइजेशन है वो भी इकोनॉमिक जो इक्वली है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यानी इकोनॉमिकली और कल्चरल ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है पीपल हु आर मार्जिनाइज ऑफ़न हैव टू फेस सर्वर काइंड ऑफ डिसएडवांटेज और जो लोग मार्जिलाइज हैं उनको अलग तरह के एडवांटेज को डिसडवाटेज को फेस करना पड़ता है इट इज़ इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर डैम टू गेट अप्रॉपर जॉब और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है जिनको प्रॉपर जॉब नहीं मिली होती यानी इट इज़ डिफ़िकल्ट फ्रॉम देम डैम टू गेट अ प्रॉपर जॉब प्रॉपर जॉब पाने के लिए ये बहुत डिफिकल्ट टू गेट हाउस घर पाने के लिए या फिर अलग सोशल एस्पेक्ट्स जो होते हैं दे ट्राई टू मिक्स विद मेन स्ट्रीम सोसाइटी जी हो जिनकी वजह से वो अपने मेन स्ट्रीम सोसाइटी में मिलना चाहते हैं नेक्स्ट सेड्यूल कास्ट सेड्यूल कास्ट क्या होती है अर्लियर इंडिया हैज़ द रिच कास्ट है बेस्ड सोसाइटी पुराने समय में जो हमारी इंडिया थी उसकी कास्ट सोसाइटी बहुत ज़्यादा रिच थी बहुत ज़्यादा कटिल थी जटिल थी एंड दिक्थ रूल्स एंड डिवाइडेड पीपल इन हाई एंड लो कास्टिस और ये हमें कहाँ दिखाई देती है हाई और या फिर लो जो है हमारी इस तरह की रूल में दिखाई देती है ये द लोअर कास्ट जो लोअर कास्ट के लोग हैं आर वेरी कंसीडर्ड अनटचेबल्स यानी जो लोअर कास्ट हैं उनके लोगों को हम अनटचेबल्स भी कहते हैं और क्योंकि वो अनटचेबल्स हैं इसलिए हम उनको मेन स्ट्रीम से भी बाहर रखते हैं एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सोसाइटी हमारी सोसाइटी से बाहर रहते हैं दे वर ऑल्सो डिनाइड एजुकेशन और उनको एजुकेशन भी लेने की परमिशन नहीं होती यानी एजुकेशन की भी डिनाई होती है दे कुड ओनली टेक अप देयर हेरीडिट्री प्रोफेशन और वो केवल अपना हेरीडटरी यानी अपना जो पुराने विरासत के तौर पर जो उनको प्रोफेशन मिला है वही काम वो करते हैं थस दे कुड ओनली टेक अप देयर हेरीडेटरी प्रोफेशन और इस तरीके से वो अपना हेरीडिटरी प्रोफेशन ही करते हैं थस दे रिमेन इकोनॉमिकली बैकवर्ड और इस तरीके से वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गए विध न्यू एवेन्यूज़ टू इम्प्रूव देयर कंडीशन और वो अपने जो न्यू एवेन्यूज़ थे उसको इम्प्रूव करने की कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड होते चले गए इन मॉडर्न वर्ल्ड पूरे अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती हैं एंड कल्चर आर द कॉज ऑफ मार्जिनलाइजेशन और जो कल्चर कल्चर है वो मार्जिनलाइजेशन का बहुत बड़ा उदाहरण है हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज जो अलग लैंग्वेज बोलता है अलग तरह के कपड़े पहनता है अलग तरह की उसकी अलग तरीके से उसको हम ट्रीट करते हैं यानी उसको हम जो भी अलग दिखेगा उसको अलग तरीके से हम ट्रीट कर देंगे एज बींग आउट ऑफ द प्लेस इन मेन स्ट्रीम सोसाइटी नहीं क्योंकि वो हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बाहर है सम ग्रुप ऑफ पीपल इवन लुक डिफरेंट कुछ तरह के लोग जो हैं वो अलग भी दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिकल रीजन क्योंकि उनका जो एंथ्रोपोलॉजिकल रीजन है उसकी वजह से एंड दे आर मार्जिनलाइज्ड और इस तरीके से उनको मार्जिनलाइज्ड भी हम कहते हैं नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन मार्जिनलाइजेशन के क्या क्या इफेक्ट हैं इसके टू टाइप्स के इफेक्ट होते हैं सबसे पहला इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन इज जस्ट वन ऑफ मैनी एस्पेक्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन और इसको हम अलग अलग एस्पेक्ट्स के रूप में देख सकते हैं अलग अलग पहलू हैं इसके नेक्स्ट है कल्चरल मार्जिनलाइजेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पीपल हु आर मार्जलाइज्ड जो मार्जिलाइज हैं ऑफन हैव टू फेस सर्वल काइंड ऑफ डिसएडवाटेज उन्हें बहुत कुछ अलग तरह के डिसएडवाटेज को फेस करना पड़ता है इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू गेट प्रॉपर जॉब उनके लिए प्रॉपर जॉब को लेना अच्छा घर लेना और जो हमारे सोशल एक्सपेक्टेंस हैं उसको फॉलो करना वेन दे ट्राई टू मिक्स विद द मेन स्ट्रीम सोसाइटी और जिसको वो अपने आप में मेन स्ट्रीम में मिलाने के लिए फॉलो करते हैं उनके लिए सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं शेडुल कास्ट जि, आ, जिसको ऐसी ही कहते हैं अर्लियर इंडिया हैड रिच कास्ट बेस्ड सोसाइटी और पहले वो इंडिया की रिच कास्ट सोसाइटी थी नेक्स्ट है स्टेप टेकन टू देयर अपलिपमेंट अब इस तरह के जो मार्जिलाइज ग्रुप है उनको आगे उठाने के लिए किस तरह के स्टेप को उठाया गया है कौन कौन से कारण हैं अवर कॉन्स्टिट्यूशन है सम स्पेशल प्रोविजन टू सेव गार्ड द शेड्यूल कास्ट अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन और उनके जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ अलग तरह के प्रोविजंस किए गए हैं जो सेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको बचाने के लिए उनका जो एक्सप्लोटेशन एक्सप्लोटेशन होता है उससे बचाने के लिए इन दिस वे द कॉन्स्टिट्यूशन एम टू प्रो प्रोटेक्ट दियर सोशल एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट और इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एम क्या था इन सामाजिक रूप से शैक्षणिक रूप से यानी एजुकेशन के रूप में इकोनॉमिक रूप से इनको आ, क, इनका कल्चरल जो इंटरेस्ट है वो इनका एम था उसकी रक्षा करना कुछ स्टेप लिए गए हैं कौन कौन से स्टेप है अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश अन को ख़त्म कर दिया गया एंड इट्स प्रैक्टिस इन मैनी इन एनी फॉर्म बीन मेड अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर आर्टिकल सेवनटीन आर्टिकल सेवनटीन के अंडर में ये इसको एक अपराध माना गया और इसके अगर कोई अनटचेबिलिटी करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ़ क्यों है उसको पनिशमेंट दी जाएगी शेड्यूल कास्ट कुड नॉट बी डिनाइड एंट्री टू पब्लिक प्लेस लाइक टेंपल जो शेड्यूल कास्ट जो थे उनको पब्लिक प्लेस में जिस तरह के टेंपल होटल शॉप रेस्टोरेंट इसमें उनको एंट्री करने की परमिशन नहीं थी दे कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और उनको दोबारा से डिस्क्रिमिनेटेड नहीं किया जाएगा इस तरह के जो पब्लिक वेल uh, well जो थे अगेंस्ट यूजिंग पब्लिक वेल या वाटर टैंक वाटर टैंक का यूज़ करने के लिए पब्लिक वेल वेल का यूज़ करने के लिए उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा नो चिल्ड्रन कैन बी डिनाइड एडमिशन इन एनी स्कूल किसी भी चिल्ड्रन को किसी भी स्कूल में एडमिशन करने से मना नहीं कर सकते इंस्टीट्यूशन मेन मेनटेंड द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ हर हिज कास्ट या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन उसको मना नहीं कर सकता जो मेंटेन होता है किसके द्वारा स्टेट के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ हर हिज कास्ट उनके कास्ट के बेस पर यानी किसी भी बच्चे को कास्ट के आधार पर चाहे कोई मेल है फीमेल है वो किसी भी तरह का कास्ट का है उसको कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने यहाँ एडमिशन लेने के लिए मना नहीं कर सकता कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई है शेड्यूल शेड्यूल uh, कास्ट के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंड इन गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में टू एंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस सम सीट हैव बीन रिजर्व यानी लेजिस्टिव प्रोसेस में भी कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई हैं लोकसभा में और विधानसभा में ठीक है सर्टेन कॉन्स्टिटुंसी हैव बीन रिजर्व कुछ कॉन्स्टिटुएंसीज भी रिजर्व कर दी गई हैं एक्सक्लूसिव फॉर शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट टू कंटेट इलेक्शन इलेक्शन के टाइम में जो शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं उनके लिए प्रोग्रेस ऑफ शेड्यूल कास्ट हैव बीन मेजर फोकस ऑफ डिफरेंट फाइव ईयर प्लान फाइव ईयर प्लान में जो शेड्यूल कास्ट थी उसके ऊपर भी मेन फोकस किया गया है सेपरेट वेलफेयर डिपार्टमेंट बना दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वाज सेटअप टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ़ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल कास्ट की वेलफेयर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावर जो मेंट जो है इसको सेटअप किया गया है नेक्स्ट इज शेडल ट्राइब इंडिया हैज कंसिडरेबल प्रोपोर्शन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन भारत में ट्राइबल पॉपुलेशन भी देखने को मिलती है ट्राइबल कम्यूनिटीज़ और द ट्राइब्स लिस्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल कारड्यूल्ड ट्राइब्स जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं या जो ट्राइब्स हैं उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड ट्राइब कहा गया है दे ऑल्सो रेफर टू आदिवासी इन प्लेन हम उनको प्लेन में आदिवासी भी कहते हैं दे आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन शेड्यूल्ड कास्ट और आ, उनको शायद मतलब पूरे ग्रुप को हम शेड्यूल्ड कास्ट जो है विद द शेड्यूल कास्ट अंडर कैटेगरी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हम उनको शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी के अंदर ही आ, मानते हैं यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स दोनों ही एक ही कैटेगरी में आती हैं द आदि, वर्ल्ड आदिवासी ये बना है दो वर्ड से आदि जिसका मतलब है औरिजन एंड इनिशियल और वासी जिसका मतलब है इनहेबिटेंट तो इस तरीके से पीपल हु आर ओरिजिनल इनहेबिटेंट एंड स्टिल लिव प्रीमिटिव वे ऑफ़ द लाइफ आर कॉल्ड आदिवासी यानी ऐसे लोग जो ओरिजिनल इन्हेविडेंट हैं और एक प्रीमिटिव वे प्रिविटिव तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं उनको हम आदिवासी या ट्राइब्स कहते हैं द ट्राइबल यूजली लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट और ये कहाँ रहते हैं यूजली जो क्लोज एसोसिएशन है हमारे फॉरेस्ट का वहीं पर ये रहते हैं ओके स्टूडेंट Rest part of this chapter we will discuss on next turn. Thank you.